यहाँ फोटो खींचना मना है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहाँ कहते हैं यहाँ फोटो खींचना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, दीवार पर पोस्टर चिपकाना मना है, स्मोकिंग करना मना है, शराब पीना मना है और वीडियो को डिसलाइक करना मना है। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं मना है को बोलने के लिए आप इज फॉरबिडन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, यानी आप एक नाउन के साथ इज फॉरबिडन बोलेंगे अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है। जैसे यहां फोटो लेना मना है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फोटोग्राफी इज फॉरबिडन हियर, यानी यहां फोटोग्राफी मना है। यहां शराब पीना मना है, हैविंग अल्कोहल इज फॉरबिडन हियर। यहां बेकार बैठना मना है, सीटिंग आइडल इज फॉरबिडन हियर, यानी यहां पर बेकार बैठना मना है। दीवार पर पेशाब करना मना है, पिसिंग ऑन द वॉल इज फॉरबिडन। दीवार पर पोस्टर लगाना मना है, स्टिकिंग ऑन द वॉल इज फॉरबिडन। फूलों को तोड़ना मना है, प्लकिंग फ्लावर्स इज फॉरबिडन, यानी फूलों को तोड़ना मना है। वीडियो को डिसलाइक करना मना है, टू डिसलाइक द वीडियो इज फॉरबिडन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि कोई चीज मना है तो आप उस नाउन के साथ इज फॉरबिडन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलें। बाय द वे, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप वॉज फॉरबिडन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे फोटो खींचना मना था तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फोटोग्राफी वॉज फॉरबिडन, यानी फोटो लेना मना था। शराब पीना मना था, हैविंग अल्कोहल वॉज फॉरबिडन। बेकार बैठना मना था, सीटिंग आइडल वॉज फॉरबिडन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।